शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि पंजाब के शिरोमणि अकाली दल के विधायकों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है ये कदम ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति में जो सहनशीलता की कमी आ रही है ये उसका उदाहरण है। उन्होंने कहा कि वे वीडियो निकलवा कर देखें कि जब हरियाणा के विधायकों ने पंजाब की चलती विधानसभा पर अंदर आने के लिए धावा बोला था, वे अंदर आने के लिए दरवाजे खटखटा रहे थे, लेकिन उस समय भी हमारी सरकार व स्पीकर ने ये कहा था कि अगर वह प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो गलत नहीं है क्योंकि वह जनता के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के विधायक विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि विधायकों पर मुकदमे दर्ज होना गलत है। सुनिए शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने आखिर क्या कुछ कहा। पंजाब के श्रोमणी अकाली दल के MLA के खिलाफ जिहड़ा परचा दर्ज किया गया हरियाणा सरकार के हुक्मां दे उत्ते कि उन्होंने मुख्यमंत्री खट्टर साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट किया सीगा, ये बहुत ही मदभागी अनडेमोक्रेटिक स्टैप है। और मैं समझता कि राजनीति के जिहड़ी सहनशीलता की घाट आ रही है और जिहड़ी तंगदिली वध रही है ये मूंह बोल की उदाहरण। अज भी तुसी वीडियो देख लो कि साढ़े MLA साहबान ने विधानसभा के बाहर जिहड़ा मुख्यमंत्री साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, पर मैं खट्टर साहब नूं बेनती करता कि वह वीडियो कढ़ा के देखन जो हरियाणा के MLA ने जिहड़ी पंजाब की विधानसभा चलदी दे उत्ते धावा बोलिया सी ते विधानसभा के सानू दरवाजे बंद करने पए सी, वह दरवाजे खड़काउंदे रहे सी अंदर एंटर करन वास्ते, पर उस वेले भी साढ़े स्पीकर साहब ने साडी सरकार ने यह कह के कि वह लोगों के चुने हुए नुमाइंदे है चलो गुआढ़ी सूबे दे है, जे वो प्रोटेस्ट कर भी गए हैं तो सानू सही तो कम लेना चाहिए, प्रोटेस्ट करना MLA का हक है। हुण जे तुसी किसानां उत्ते जबर किया, नजायज उन्हां दे उत्ते वायलेंस किया, रोकां लाईआं, तो साढ़े MLA साहबान ने हाउस के बाहर जिहड़ियां उत्ते जाके प्रोटेस्ट कर दिता, दो नारे ला दिते, तो किड्डा कु वड्डा जुर्म हो गया। खट्टर साहब को चाहिए सी कि असी तो उन्होंने तो उम्मीद करते सी कि वो MLA साहबान उत्थे बुलाते ज अपने कैबिन च बुलाते ज घर बुलाते तो सगो उन्हों की गल पुछते, उन्होंने स्थिति स्पष्ट करते। पर इस तरीके परचे दर्ज करना जे राजनीति दे विच कम चालू हो गया तो मैं समझदा इहदा कोई अंत नहीं है, ये गलत परंपरावां जिहड़ियां ने ये सैट कीते जांदे। जदों बाहर किसी नाल ज्यादती हुंदी है उहदी आवाज़ विधानसभा दे विच उठदी है, और इतने उल्टा हो गया कि जिहड़े MLA साहबान लोगों की आवाज़ उठाउण वास्ते विधानसभा आए हैं विधानसभा के गेट के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट करने के उत्ते यह हाल हो गया। इहदा मतलब कि हुण तां MLA बाहर प्रोटेस्ट नहीं कर सके, कहिंदे फिर बेचारे उन्होंने हक कितने गया जिहड़ा संविधान ने एड्डा वड्डा उन्होंने अपना एक्सप्रैशन का रोस प्रगट करने का हक दिता। इस करके बहुत गलत है, केस जिहड़ा रद्द होना चाहिए और हरियाणा की जिहड़ी सरकार है संविधान उन्हें जिहड़ी हैगी गंभीरता तो कम लेना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।